हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे और फिट होंगे। फ्रेंड, ये था शिवरात्रि का दिन और हम लोग गए हुए थे मंदिर। और मंदिर, आप सभी को पता ही होगा कि शिवरात्रि होता है शंकर जी का दिन। और इस ऑस्पिशियस डे पे भगवान शंकर जी आप सभी की करे सारी मनोकामना पूरी। और ये है, आ गए हैं हम लोग मंदिर, और मंदिर में और मंदिर में आरती के बाद माहौल हो जाता है दुगना खूबसूरत। आरती के समय और आरती के बाद माहौल बहुत ही सुंदर होता है मंदिर का। और बस उसके बाद मैं आ गई थी घर पर, और मैंने तैयारी करनी थी इमली की चटनी बनाने की। और इमली की चटनी बनाने के लिए मैंने लिया हुआ है फ्रेंड यहाँ पे 150 ग्राम्स ऑफ इमली। इसमें जो आपको इम्प्योरिटीज दिख रही है, उसको मैंने जो पानी डाला उसको क्लीन कर लिया था। उसके बाद फिर मैंने एक ग्लास पानी डाल करके, दो ग्लास पानी डाल करके इसको 3 घंटे के लिए भिगोने रख दिया था। और ये सोख होने के बाद इसमें मैंने 2 ग्लास ऑफ वाटर और ऐड किया था, क्योंकि थोड़ी सी पतली होनी चाहिए, अदरवाइज बहुत मोटा बल्ब और ज़्यादा मोटी इमली की चटनी बनके रेडी होगी। तो बस आपको उसको स्टेन कर लेना है, छान लेना है। छानने के बाद इस तरह हाथ से रब करके पल्प को अलग और इम्प्योरिटीज़ को कर देनी है अलग। तो ये देखिए फ्रेंड, ये स्टेप करना हाथ से बहुत ज़रूरी है। इस समय आपका हाथ होना चाहिए एकदम से साफ। तो यहाँ पे देखिए इतना सारा वेस्ट निकला हुआ है पल्प से, और ये है पल्प मेरा रेडी। और एक बार आप इसको ज़रूर चेक करें कि पल्प में कोई इम्प्योरिटीज रह तो नहीं गई है। अगर रह गई है तो आप इसे छान सकते हो दोबारा से। और फ्रेंड, ये रख दिया है मैंने इसको गैस पर, और थोड़ा सी कंसिस्टेंसी रनी रहेगी, स्टार्टिंग में पतली ही रहती है। तो गैस की फ्लेम को मैंने कर दिया था ऑन, एक बार फिर चेक कर लिया है, कोई इम्प्योरिटीज नहीं थी। तो इसको स्लो आँच पर, जब इस तरह के हल्के हल्के बबल्स आना स्टार्ट हो जाएंगे, तो हमने इसमें ऐड करना है गुड़। आपको फ्लेम को स्लो ही रखना है। और ये ऐड कर दिया है गुड़, और मेरे पास थे वाइट वाले गुड़, आपके पास जो कोई भी गुड़ हो वो आप इसमें ऐड कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर 150 ग्राम इमली के साथ 450 ग्राम्स ऑफ गुड़ ऐड किया है, क्योंकि मुझे थोड़ी खट्टी मीठी चटनी चाहिए थी। आपको थोड़ी ज़्यादा मीठी चटनी चाहिए तो आप अपनी अकॉर्डिंग गुड़ को ज़्यादा ऐड कर सकते हो, 550 ग्राम या जितना आपकी मर्ज़ी हो। सो फ्रेंड, ये धीरे धीरे हो रहा है गुड़ मेल्ट, और आँच को आपको रखना है स्लो ही, क्योंकि अगर आँच कर देंगे तेज, गैस की फ्लेम को अगर हम लोग कर देंगे तेज, तो क्या होता है गुड़ मेल्ट होते होते चिपक जाता है बर्तन के तले पर। तो धीरे धीरे आपको स्टर करते हुए, गैस की फ्लेम को लो करते हुए करना है मेल्ट, गुड़ को मेल्ट। और ये देखिए ऑलमोस्ट गुड़ हो गया है मेल्ट, और यहाँ पर सारे ही गुड़ मेल्ट हो गए थे। तो हल्का इसे स्टेज पर कर देना है आज को तेज, और स्टर करके 10 मिनट 15 मिनट तक चलाते हुए पका लेना है। अब कंटिन्यूस ना चलाएं, बस पका ले इस स्टेज तक। ये इमली की चटनी कम्प्लीटली हो गई है डन। तो बस इतना ही हमें पकाना है, इसके बाद नीचे उतारेंगे तो धीरे धीरे ठंडी होने के बाद मोटी ही होती जाएगी। फ्रेंड, आपको अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करें। और थैंक्स फॉर द वॉचिंग गाइस, टेक केयर।